गरीब लोगों के प्रति हमसे चर्चाएं की और आप हमारे पास आज आए, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि उन फिरंगियों ने, उन ठगों ने जो ठगी हमारे गरीबों के साथ और एक कौम को विश्वास में बांधकर लोगों से बड़े तौर से पैसे जमा कराए हैं लालच और स्वार्थ में लेकर के, उन लोगों का मैं यही कहना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाए और सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम रखे। इस विषय में हम कल हमारे भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश जी से हमने रابطہ किया है और डॉक्टर साहब मेरे पास हैं, हमारे गनी सरपंच साहब डांठट से मेरे साथ थे, एक मुबीन साहब हमारे पीपलखेड़ा से थे, हम तीन चार लोग वहां पहुंचे थे और लिखित में भी हमने उनको जो है अपनी कुछ कंप्लेंट दी थी जो मैंने अपनी फेसबुक आईडी से रात डाली थी। तो उनसे हमारी बैठकर कम से कम एक से डेढ़ घंटा तक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आईजी साहब ने जो आश्वासन हमें दिया था उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन गरीबों के हित में मजबूती से काम कर रही है और गरीबों के लिए न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास हमारे आईजी साहब राहुल प्रकाश जी, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया है, वो मजबूती से कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी पूरे इलाके के एजेंटों की लिस्ट भी पहुंची हुई है और जिन एजेंटों ने पुलिस और नेताओं के नाम पर पैसे खाए हैं उनका भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड पहुंचा हुआ है। कुछ नेताओं से हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने संपर्क कर लिया है और कुछ लोग रह रहे हैं कि जिनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है और जिन लोगों को सैकुल ने कस्टडी के दौरान स्वीकार किया है उनको पुलिस मजबूती से इसमें मुलजिम भी बनाएगी और उनसे रिकवरी भी करेगी। अगर हमने फिर ये भी सवाल किया था कि साहब जो पीड़ित लोग हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप लोग मुकदमा करोगे, रिपोर्ट करोगे तो आपके पैसे मिल जाएंगे, पुलिस पैसा नहीं दिला पाएगी, क्या पुलिस पे हम अपना विश्वास जमाएं, क्या आप लोग हमारा पैसा दिला पाओगे? तो माननीय हमारे आईजी साहब ने हमारे लिए विश्वास दिला करके ये कहा है कि जितनी रिकवरी हमसे अब तक हो सके है वो हमने की है और आगे जिन दलालों के पास जहां जहां पैसा है सारे अर्जियों वाले जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको भी नजर रखनी है, कितना बड़ा गिरोह ये है, उन सब पर नजर रखो, इनकी प्रॉपर्टियां जहां जहां इन्होंने खरीदी हैं उन सब पर नजर रखो और इनका जहां भी जो सुराख है हर सुराख को नजर में रखकर हमें आप अवगत कराओ और हमें आप बताओ, हम हर चीज को गहनता से लेंगे और इसमें मजबूती से कदम रखेगी हमारी पुलिस, ये हमसे कहा है। रहा मसला मुकदमों का, हमने अपना जो सवाल किया था वो ये भी किया था कि साहब एक कैथवाड़ा थाना में फर्स्ट में खेड़ी गांव के लड़के का किसी का मुकदमा हुआ था पीड़ित का और उसी मुकदमे में बाकी एप्लीकेशनों को ऐड किया जा रहा है, तो वो एप्लीकेशन ऐड की जा रही है जो, क्या उन एप्लीकेशनों को हम मुकदमा माने या परिवाद माने? वो तो परिवाद माना जाएगा, हम मुकदमा उसी को मानेंगे कि आपने, अगर आपकी चोरी हमने की है तो हम आपके चोर हैं तो हमारे खिलाफ आप मुकदमा कराओ, अगर 10,000 आदमियों के साथ ठगी हुई है तो हम चाहते हैं 10,000 मुकदमे दर्ज हों। लेकिन आईज साहब ने हमें समझाया, हमें बताया कि 10,000 मुकदमे तो हम नहीं दर्ज कर सकते क्योंकि 10,000 मुकदमों के लिए 10,000 आईओ कहां से लाएं, कहां से जांच देंगे, कैसे हम 4-5 थाने हमारे लगते हैं कई थोड़े घास पास कामा विधानसभा के अंदर, इन 4-5 थानों में हम कैसे 10,000 मुकदमों को कवर कर पाएंगे? हम इतना कर सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने कैथवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया होगा, अब हम गोपालगढ़ में भी मुकदमा दर्ज करेंगे,
अब हम कैथवाड़ा में मुकदमा दर्ज करेंगे, अब हम कामा दर्ज करेंगे, अब हम पहाड़ी दर्ज करेंगे, अब हम जुरहेड़ा दर्ज करेंगे। ये सारे थाने जो हमारे इस विधानसभा के आते हैं, इनमें हमारे 4, 5, 5, 7, 7 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज होंगे, और जिन 4, 5, 6, 7 मुकदमों के अंदर बाकी 100, 100, 50, 50 एप्लीकेशन ऐड की जाएंगी, जिनसे हम इस चीज को कवर कर पाएंगे। और मैं इनसे ये भी बता देना चाहता हूं पीड़ित लोगों को, आपको कोई ये समझा रहा हो, धमका रहा हो कि मुकदमा दर्ज कराने से तुम्हारे पैसे मिलेंगे, रिकॉर्ड पे जिसका मुकदमा दर्ज होगा उसी को कोर्ट मानेगा और उसी को पुलिस मानेगी कि पीड़ित है, इनका मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके पैसे किसी के पास हैं, इनके साथ ठगी हुई है। आप इसको कैसे प्रूव करोगे अगर मुकदमा भी दर्ज नहीं कराओगे? और वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई कुछ लोगों ने करी दी तो वो जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं परेशान। तो आपसे मेरा ये कहना है, जितने भी आप पीड़ित हो सारे के सारे लोग मुकदमा दर्ज कराओ, जिन लोगों के मुकदमे हम ऐड करवा पाएंगे, जैसे हमारा जुरहेड़ा थाना है, 5 मुकदमे यहां ऐड कराए हमने, दर्ज करा दी, और 5 मुकदमे 100 लोगों को हम हरियाणा वालों को ऐड करा देते हैं, तो उनको परिवादियों को भी हम ये मानेंगे हाँ इनके साथ भी मतलब घटना घटी है, तो उनके लिए भी कोर्ट से आदेश होगा या पुलिस रिकवरी करने के दौरान किसी को कुछ करेगी या जो भी संभव बात होगी वो पुलिस प्रशासन की और हमारी सबकी मीटिंग होगी, और जैसे भी वो तरीका बनेगा या कोर्ट से कचहरी से, वो सब उन्हीं को फायदा मिल पाएगा जो लोग पुलिस में इसकी कार्रवाई कर देंगे, वरना कार्रवाई से भी आप रह जाओगे और काम भी नहीं कर पाओगे, मुकदमा दर्ज नहीं कर पाओगे, तो मामला आपका बैठ नहीं पाएगा, ये मेरा कहना है। अच्छा, जो आई जी ने आपको आश्वासन दिया कब तक के लिए कहा है कि कब तक पैसों के? उन्होंने ये कहा है कि अब आप एक काम करो, कल का तो चुनाव है भाई, कल 19 तारीख हो रही है, कल का चुनाव है, चुनाव बाद आप मुकदमा दर्ज कराने लोकल थानों में शुरू करो, लोकल थानों में मुकदमा दर्ज कराने शुरू करो, और मुकदमा दर्ज जैसे जितने होंगे उतने तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे। और जो आप कहना चाह रहे हो कि आप जैसे हमने 19 तारीख के बाद आंदोलन के लिए सकल बनाने के प्रयास कर रहे थे, हम आंदोलन और प्रदर्शन तभी किया जाता है तब कहीं प्रशासन में कोई पिले और प्रॉब्लम नजर आती है। आईजी की बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और हमें बेहद इंतजार करना है कि हम पीड़ित 10,000 आदमियों को मानते हैं, 12,000 को मानते हैं, ये 10 से 12,000 में 5 से 6,000, 4,000 मुकदमे भी अगर दर्ज होते हैं, इतने लोग एप्लीकेशन लगाते हैं, वो रिकॉर्ड हमारे पास आता है, तो कम से कम हम ये तो कहने के लायक होंगे कि आईजी साहब, डीजी साहब, एसपी साहब, हमारे यहां 10,000 मुकदमे दर्ज या 10,000 पीड़ित लोगों ने परिवाद दिया है, इनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हो? अभी तो मेरे हिसाब से 50 मुकदमे दर्ज नहीं है, 100 एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है जो लगाई हूं, उन मुकदमों में ऐड की हूं, तो कम से कम पीड़ित लोग आए, पीड़ित लोग आकर के इन थानों में, सारे थानों में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास हम करेंगे, हम साथ जाएंगे और सब में एप्लीकेशन लगाने के लिए हम तैयार हैं। और इसके बाद जब रिकॉर्ड हमारे पास आएगा फिर पुलिस काम नहीं करेगी, फिर हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि वो आंदोलन एक ठग मुक्त मेवात के नाम से आंदोलन होगा, वो 36 बिरादरी का आंदोलन होगा और उसमें 3600 बिरादरी के लोग शामिल होंगे, और अल्लाह पाक ने, ऊपर वाले ने चाहा तो मेवात का पहला आंदोलन माना जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सरपंच साहब, अगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के लोग हैं। हाँ जी, इसमें एक तो ये है कि जिन लोगों ने अपने इधर उधर से पैसा खींच कर शादी भी कर दी है। हाँ जी, कर्जा लेकर, एक तो पहला कर्जा, दूसरा उन्होंने फिर दोबारा कर्जा लिया है। ठीक है, दूसरा